नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के चारवाटी क्षेत्र में 13 फरवरी दिन शनिवार को चौधरी जयंत की एक विशाल किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर रालोद के पदाधिकारियों ने बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रखी है और आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस प्रकार की जानकारी देते हैं। तो आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार के आयोजन की तैयारियां चल रही है? चौधरी चरण सिंह भारत के सारे किसानों के ये मसीहा थे और आज चौधरी अजीत सिंह उनके बाद चौधरी अजीत सिंह किसानों के मसीहा हुए। जयंत चौधरी मथुरा से सांसद हुए, वो भी चौधरी साहब के अनुयायी, उनके पोते और किसानों के हमेशा अनुयायी रहे। लेकिन आज विडंबना है कि किसान बॉर्डर पर रो रहा है और मोदी जी के अत्याचार से जो तीन काले कानून लाए हैं उनसे तरह तरह कर रहा है, किसान इससे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसके किसानों के समर्थन में यहाँ एक किसान महापंचायत जैन चौधरी के निर्देशानुसार यहाँ बुलाई गई है। प्रशासन से क्या मिल रही है? प्रशासन से अभी तक तो कोई सहायता मिली नहीं है। हमने अपना ज्ञापन उनको दे दिया है कि हमारी महापंचायत वहाँ पे है। महापंचायत की सूचना है उन्हें? वहाँ DM साहब के यहाँ रिसीव करा दी, SSP साहब के यहाँ रिसीव करा दी। किस प्रकार की तैयारी है उसको लेकर? किसान लोग आएंगे, अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आएंगे। हमने कोई तैयारी ऐसी नहीं की है कि बस की हो या पंचायत के में कितने लोगों के आने, कितने किसानों के आने की संभावना? अब ये क्या पता, लाखों लोग आ सकते हैं। उम्मीद तो ये जन सैलाब वो मुड़ेगा। किसानों में तरह तरह है, किसान इस समय बिल्कुल आक्रोश है और जगह जगह किसान पंचायत जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है। मुख्य रूप से कौन से बिंदु रहेंगे यहाँ पे? मुख्य बिंदु ये तीनों कानून वापस हो और हमारी MSP लागू हो, यही हमारा मेन उद्देश्य है। कल इस चौधरी चरण सिंह चारवाटी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 3 महीने से दिल्ली में लाखों किसान आंदोलन की राह पे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है किसानों की, और येन केन प्रकार इस किसान आंदोलन को बदनाम करके ख़त्म करना चाहती है। इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जनसभाओं का अभियान शुरू किया है और 1 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक उनकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 22 जनसभाएं होने जा रही हैं। तो कल जो जनसभा आहूत की गई है, इसका मकसद दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को ताकत प्रदान करना है और किसानों में गांव-गांव जो आक्रोश है यहां पर एकत्रित होकर वो सिद्ध कर देगा कि किसान आंदोलन सही है और सरकार जो उनकी मांगे नहीं मान रही है वो गलत रास्ते पर है। इसलिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन के सहारे कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसानों को आतंकवादी कहा था, कभी खालिस्तानी कहा था, कभी कहा था कि फॉरेन एड आ रही है, कभी कुछ कहा था और हर तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया था, जो कि उनकी बातों का खुद ही स्वयं में खंडन होता जा रहा है। तो उनके तो इस तरह की प्रचार चल रहा है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के दबाव में उन्होंने ये 3 कृषि के जो काले कानून बनाए हैं उनको वापस न लेना पड़े, क्योंकि उनसे जो इलेक्शन के लिए परचेजिंग फॉर MLAs एंड MPs वो लोग पैसा ले चुके हैं। अब जब पैसा ले चुके हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। इसलिए देश का लाखों किसान आंदोलन की राह पे है, अन्यथा इतनी हठधर्मी, इतनी बेशर्मी कोई सरकार दिखाती नहीं है। जयंत जी के साथ साथ और कितने नेता यहाँ? तमाम किसान संगठनों के नेताओं को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और मैं एक बात यहाँ और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो केंद्र सरकार है इसका जो रवैया है,
ये निश्चित रूप से आत्मघाती है। और बड़े दुख की और विडम्बना की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ वाशिंगटन में उनके अंदरूनी घरेलू मामला होता है और वहाँ पे पब्लिक अटैक करती है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की आत्मा को कष्ट होता है। लेकिन यहाँ 3 महीने से आंदोलन जो चल रहा है उसमें 200 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरफ से सहानुभूति के 2 शब्द और ट्वीट तक नहीं निकला है। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। कितने किसान इस सभा में भाग लेने की संभावना है? देखिए, ये किसानों का आंदोलन है और किसान गांव-गांव का समझ चुका है कि हम विपदा की घड़ी में हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बहुत लंबे समय से आंदोलनरत है। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई कप्तान जी ने बताया, वहाँ 200 के लगभग किसानों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो यहाँ हम संख्या का आकलन नहीं कर सकते, यहाँ किसान की संख्या कितनी होगी ना मैं आकलन कर सकता हूँ, ना आप आकलन कर सकते हैं, ना कोई नेता आकलन कर सकता है। क्योंकि किसान आपदा में है, परिस्थिति में है, लेकिन इतना जरूर मेरा मानना है कि किसान यहाँ आकर के अपने आप को इस स्थिति में प्रस्तुत करेगा कि वो अपनी ताकत का एहसास करा सके और दिल्ली की सरकार को बता सके कि आगरा जनपद में अकोला के अंदर यदि कोई किसान सभा हो रही है, किसान पंचायत हो रही है, तो हमारी तादाद यहाँ पर एक अच्छी संख्या में हो। क्या यहाँ 2022 के चुनाव की भी रणनीति कोई संकेत दिया जा रहा है इस पंचायत के माध्यम से? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है और ऐसा है भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में एक पंचायत हो रही है और ये जरूर मान लीजिए कि हम राष्ट्रीय लोकदल के लोग बैठे हैं, लेकिन कल का जो मंच होगा वो हमारे दल विशेष का नहीं होगा, वो किसानों का मंच होगा, किसानों की बात होगी। कोई राजनीतिक और सियासी बात का मुझे अंदाजा नहीं है कि इस तरह की बात हो। सरकार कह रही है कि जो 3 कृषि कानून काले बताए जा रहे हैं, तो ऐसा उसमें काला क्या है? देखिए, ये तो आप पत्रकार बंधु हैं और कानून मेरे ख्याल से 28 से 30 पेज के पन्ने हैं, पीडीएफ फाइल अगर उसकी निकालते हैं और उसको हम पढ़ें, आप पढ़ें, और मैं तो एक बात कहूंगा मात्र शॉर्ट में, पंजाब का किसान सबसे पहले इसमें आगे आया। पंजाब का किसान आगे आया तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान में कृषि से संबंधित यदि कोई कारोबार, कोई काम, कृषि यंत्र भी यदि बना तो पंजाब में बना सबसे पहले। पंजाब यदि अग्रणी है तो पंजाब के जो किसान हैं वो सोच में भी अग्रणी होंगे, इसीलिए उन्होंने उसको पढ़ करके उस आंदोलन के प्रति अपना कदम बढ़ाया। फिर पूरे हिंदुस्तान भर में ये चर्चा बढ़ी है। मैं मानता हूँ कि सरकार यदि इस कानून को ठीक बताती है तो सरकार किसानों के बीच में आकर के क्यों नहीं साफ कर देती कि ये कानून ठीक है, आप हमें फॉलो करिए, हम आपके हित में काम कर रहे हैं। लेकिन किसान आपदा की स्थिति में है, किसान इस सरकार को जवाब देना चाहता है कि ये कानून काले हैं, आपके कानून खराब हैं, किसान हित में नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी सड़कों पर खड़ी हो जाएगी, भिखारी की तरह काम करेगी, हमको बेरोजगार की तरह होना पड़ेगा। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी तो खैर हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो वही किसानों के मसीहा थे, किसान और मजदूर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो प्रशासन है ना, पुलिस प्रशासन हो या हमारे बड़े बड़े और अधिकारी हों, इनकी तो भाई ये जो सत्ता रहती है उसके उसमें ये काम करते हैं और ये घर घर जाके मना करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। रही बात सरकार की, ये दमनकारी सरकार है, इस तरीके के ये कुचलना और बदनाम करने की कोशिश, हमें तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, आपको पता है कि 27 दिन मैं रह के आई हूँ, बहुत कुछ मैंने देखा है, महसूस किया है और वहाँ से सीखा है। और ये जो सरकार की ये नीति है ना, काले कानून की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें भैया सब कारो ही कारो है, एक लंगते कारो काजर की डिबिया में जो सब कारें और काले बना दिए ने कानून, किसान के हित में कुछ नहीं है। तो आज पूरे देश में त्राई त्राई मान किसान कर रहा है रोड पे, ये तरफ तो मोदी जी करते हैं मन की बात, और 200 किसान हमारे शहीद हो चुके, 3 महीने होने को जा रहे हैं, अड़ानी के यहाँ जाने के लिए टाइम है, कच्छ में भाषण देने के लिए टाइम है, लेकिन किसानों के बीच में बॉर्डर पर जाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए टाइम नहीं है उनके पास जाने के लिए। आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन की तैयारी है? इंजीनियर सुरेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आयोजन किसान पंचायत का किया गया है और जो लोग दिल्ली के चारों तरफ जो काले कानून के विरोध में
चारों हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में ये किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। माननीय जयंत चौधरी जी ने ताबड़तोड़ तब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से वो रोज़ एक दिन बाद एक दिन पंचायत कर रहे हैं। आज मथुरा में बलदेव में है, कल यहाँ है और उसके बाद परसों भरतपुर में है। किसानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जीवन मरण का प्रश्न है किसानों के लिए, इसलिए हम अपील करते हैं सभी किसान भाइयों से कि अकोला की इस पावन भूमि पर अपना समर्थन और एकजुटता दिखा करके इस संदेश उन किसानों तक पहुंचाएं जो बॉर्डर पर हड़ताल में बैठे हुए हैं 3 महीने से। ठीक, परिचय देते हुए आज जिस प्रकार की ये तैयारियां चल रही हैं क्या होने वाला है यहाँ? मेरा नाम नरेंद्र बघेल है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का मंडल का आगरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। कल्याण माननीय जयंत चौधरी साहब 13 तारीख को आ रहे हैं अकोला में। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से अपील करूंगा कि जो कल जो दिल्ली में किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनके समर्थन में कल जो सभा हो रही है सभी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और किसान अपनी ताकत का एहसास कराएँ जिससे कि योगी हो या मोदी हो ये सबके कान तक ये आवाज़ जाए और किसानों की ताकत का एहसास हो कि किसान भी एक ताकतवर है और हम जो बॉर्डर पर जो किसान बैठ रहे हैं उनका समर्थन के लिए यहाँ पर हम जो किसानों पर चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या किसानों की MSP की बात हो ये सभी को ये काला कानून है, इन काले कानून के विरोध में हम लोग कल बहुत बड़ी सभा हो रही है और जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा सभी किसान भाई सभी बरादरी के साथ बरादरी से अपील करते हैं कि सभी किसान यहाँ आने का कष्ट करें और किसानों का एहसास कराएं। प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश खैरागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी भी रहा हूँ। किसान आंदोलन के सिलसिले में हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी अकोला आ रहे हैं। विशेष बात यह है कि जब देश के किसानों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनके विरोध में काले कानून बनाए गए हैं तो ज़्यादातर पार्टियों के नेता जिस समय किसान आंदोलन को दमन करने के लिए दिल्ली में उनको उठाने की कोशिश की जा रही थी और वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी, उस दिन देश के अंदर केवल हमारे ही नेता ने किसान नेताओं को किसान आंदोलन को ताकत देने का काम किया। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, मेरा नाम केशव चाहर है, वर्तमान में युवा राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष पद की मेरे पास जिम्मेदारी है। पूरी पार्टी इस किसान पंचायत को सफल बनाने के लिए लगी हुई है। हमारे दल के वरिष्ठ नेता कई दिन से भरपूर मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ दल के समस्त युवा कार्यकर्ता भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं। कल जो चारवाटी महाविद्यालय अकोला के प्रांगण में जो किसान पंचायत होने जा रही है, पिछली माननीय जयंत चौधरी जी की जो 28 तारीख के बाद जो विभिन्न विभिन्न जनपदों में पंचायत हुई हैं उन सब पंचायतों से ज़्यादा किसान इस पंचायत में इकट्ठा होगा और हम आगरा जनपद से ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आगरा जनपद का किसान देश के किसानों के साथ है। जय जवान जय किसान। कि महापंचायत यहाँ पर आयोजित है अकोला की इस चारवाटी कॉलेज में, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की व्यापक व्यवस्थाएं हैं, हमने ट्रैफिक डायवर्जन से लेके पार्किंग की सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है ताकि यहाँ के लोकल लोगों को कोई परेशानी ना हो, कहीं पर कोई जाम ना लगे, कहीं अव्यवस्था ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे और कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, संयोजक समिति से आपकी क्या बात है? जो भी आयोजक समिति है उनसे भी हमने बात की है ताकि कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो, कहीं कोई गतिरोध समस्या उत्पन्न ना हो पाए। दोनों में सामंजस्य है? बहुत हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारी कोई उनको की समस्या होगी हमसे बात करेंगे या हमें कोई समस्या होगी तो उनसे हम बात कर लेंगे। उसमें वॉलंटियर रखने की व्यवस्था है? देखिए, बात चल रही है, इस पर देखते हैं, वो वॉलंटियर्स देते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने बताया है कि जयंत चौधरी जी के द्वारा जो कल एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है उस पंचायत में सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर वार्ता की जाएगी। उन्होंने बताया है कि ये तीनों कृषि कानून काले हैं और इस महासभा में बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे, वहीं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहेगा। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और उन्होंने
रोड से लेकर पूरी तरह से सभी का निरीक्षण कर लिया है। पदाधिकारियों को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और शांतिपूर्वक इस किसान पंचायत का आयोजन होगा। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।